मैं घर आ गया। वेलकम होम। ये क्या है? लव लेटर है क्या? बेकार की बात मत करो, ये मेरे हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट है और कुछ नहीं। क्या कहा, हेल्थ चेकअप? ओह, शुगर हाई है ना? अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है मिक्सी। मुझे फिक्र हो रही है हैरी। शुगर शुगर शुगर, ये क्या है? इसमें हर बीमारी के बारे में इन्फॉर्मेशन है। बस अब बहुत हो गया। अरे छोड़िए इसे। ये क्या कर रही हो तुम? जरा इधर देखिए, अगर शुगर लेवल्स बढ़ जाएं तो काफी सारी बीमारियां हो जाती हैं। कैसी बीमारियां? बॉडी में दर्द होने लगता है, इतना कि मरीज चल भी नहीं सकता। ये बहुत पेनफुल होता है। क्या कह रही हो तुम मिक्सी, समझ में नहीं आ रहा मेरी। नहीं, ये क्या कर रहे हैं? अगर आपने एक भी पीस खाया तो आपकी बॉडी में दर्द होगा। लेकिन मुझे अभी तो कोई दर्द नहीं हो रहा। मिक्सी, अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। इसमें लिखा है जूस मना है, मीट और फिश भी मना है, सूप भी अलाउड नहीं है। इसका मतलब आप नूडल्स भी नहीं खा सकते। अगर मैं तुम्हारी सारी बातें मानने लगा तो लगता है भूखा मर जाऊंगा। सिर्फ सब्जियां और कुछ नहीं। मैं अपना कैप्सिकम भी आपको दे देता हूँ। तुम अपना खाना खाओ। सुनो, बहुत हो चुका है मिर्ची, अब और नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको दर्द शुरू हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर पेन बढ़ गया तो फिर आप ये भी नहीं खा पाएंगे, फिर बैठे रहना भूखे। ठीक कहती हो, लेकिन ये सब हम कल से शुरू करेंगे। आज ऐसे ही ठीक है मेरे ख्याल से। क्या कहती हो तुम? बिल्कुल नहीं। अभी से कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। आपको आज ही से ये सब शुरू करना होगा। बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मुझे स्नैक्स चाहिए। शिनचैन, तुम अपने डैड की हालत नहीं देख रहे क्या? मैं स्नैक्स नहीं खरीद सकती, समझे? अगर आप बीमार पड़ गए तो? बहुत सोचती हो तुम। ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। आपको इतने पैसे तो कमाने ही होंगे कि मेरा स्नैक्स ले पाए। तुम चुप हो जाओ। हम भी आपका साथ देंगे हैरी। अगर आप मीट नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। जो आप खाएंगे वही हम खाएंगे। शिनचैन, तुम अपने डैड का साथ दोगे ना बेटा? जरूर, मैं भी डैड का साथ दूंगा। मैं तुम्हारी बातें अच्छी तरह से समझ गया। आज से ही शुरू कर देता हूँ। सर चलिए हम लोग लंच के लिए बाहर चलते हैं। नहीं, मैं लंच के लिए बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं घर का खाना लाया हूँ। वाह, क्या बात है, आपकी वाइफ ने आपके लिए लंच बनाया है। ठीक है तो मैं चलता हूँ। ये खाना खाने से भला क्या ताकत मिलेगी मुझे, पता नहीं। अरे ये तो गिफ्ट है ग्रैंडपा की तरफ से। अरे वाह, हमें इसे चिल जूस के साथ खाना चाहिए, तभी इसकी मजा आएगा। बड़ों की तरह बातें मत करो शिनचैन। ऐसी सिचुएशन में तो हम डैड के सामने ये नहीं खा सकते, लेकिन मैं इसे किसी और को नहीं देना चाहती, तो क्या करें? टीना मॉम, हम इसे छुपा दें। छुपा देना चाहिए? हाँ, मेरा मतलब इसके अंदर। हाँ, कितना टेस्टी था। मजा आ गया। लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा ही खा लिया। अरे अभी तो इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। मैं घर आ गया। फिर से वही मिक्सी, क्या होगा मेरा? ये लीजिए हैरी। वाह, क्या बात है, आज तो मजा आ जाएगा खाने का। क्या है ये मिक्सी? ये नुहारा फैमिली के स्पेशल कैरेट और कैबेज के पकौड़े हैं। ये टेस्टी है ना हैरी? मेरे ख्याल से बहुत हो गया है मिक्सी। अगर मुझे ये फूल पत्तियाँ छोड़कर कुछ असली खाना मिल जाए तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। हम भी तो यही खा रहे हैं हैरी, फिर आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? देखिए ना, शिनचैन भी तो आपका साथ दे रहा है। मुझे जितना खाना था मैंने खा लिया मॉम। नहीं शिनचैन, तुम्हें खाना ठीक से खाना चाहिए, समझ गए? पर मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, दिन को हम लोगों ने। क्या कहा तुमने अभी शिनचैन? कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो शिनचैन खाना खाओ जल्दी से, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर मॉम, नॉनवेज के सामने ये सब। पता नहीं ये क्या कह रहा है। बेटा, जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते वो अच्छे बच्चे नहीं होते। और खाओ, सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती है। खाओ खाओ बेटा, जल्दी खाओ। मेरा बेटा,
मैं भी खाऊंगा। हैरी बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, और खाओ। हेलो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मिल गया। ये क्या है? क्या आपको खाना है? हमने लंच में खाया था, टेस्टी था ना मम। क्या कह रहा है शिनचान मित्सी? मित्सी, मैंने इसे नहीं खरीदा, वो तो ग्रैंडपा ने भेजा था। अब मैं इसे फेंक तो नहीं सकती ना। मैं ये सब नहीं पूछ रहा, बात यह है कि आज मैंने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया है। कौन सा झूठ? तुमने कहा था कि मैं अगर रोज का खाना नहीं खाऊंगा तो तुम भी नहीं खाओगी मेरे साथ। वो दरअसल मैं इसे किसी और को नहीं देना चाहती थी। और को नहीं देना चाहती थी? पासा बहुत हो चुका है, अब मैं ये खा कर रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं हैरी, ऐसा मत कीजिए। चुप रहो। ये क्या ये पूरा साफ कर दिया मेरे लिए? थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा शिनचान, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है।